नमस्कार, मैं हूं परितोष और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड बिहार नीति में। और आज इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की मंगलवार की रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली मुलाकात नहीं हो सकी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पहले बताया गया कि रात 9 बजे अमित शाह के आवास पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव भूपेंद्र यादव के साथ उनकी बैठक होने वाली है। इसमें मांझी के बेटे और बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन भी उपस्थित होंगे, मगर रात 8 बजे बैठक स्थगित होने की बात आई सामने। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी दिल्ली में ही हैं और साथ ही जीतनराम मांझी भी पहुंच चुके हैं। सूत्रों की माने तो मांझी पोस्ट कोविड केयर के लिए दिल्ली गए हुए हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई सियासी चेहरे जब अपने राजनीतिक क्षेत्र से किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। यही हुआ सीएम नीतीश कुमार के साथ भी। वह अपनी आंख दिखाने दिल्ली गए तो बिहार विपक्ष की अटकलें तेज हो गई। अब जब मांझी पोस्ट कोविड केयर लेने दिल्ली गए हैं तो भी वही बात है। हालांकि हम के अनुसार जीतनराम मांझी अब बुधवार को अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात हो कि मांझी और मालूम हो कि पोस्ट कोविड इलाज के सिलसिले में पिछले 2 दिनों से नई दिल्ली में है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में बिहार के 2 बड़े नेताओं का दिल्ली में होना राजनीतिक जानकारों के उत्सुकता का विषय बना हुआ है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में इलाजरत हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी इस समय दिल्ली में ही हैं। ऐसे में 2 पूर्व और 1 वर्तमान सीएम का देश की राजधानी में होना काफ़ी मायने भी रखता है। खास बात यह है कि तीनों अपने स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में हैं। नीतीश के दिल्ली जाने पर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए थे कि क्या बिहार की चिकित्सा व्यवस्था इस लायक नहीं कि सीएम यहां इलाज करा सके। हालांकि कारण बताया गया कि जिस व्यवस्था से उनका उपचार हुआ वह अभी बिहार में विकसित नहीं हो सका है। खैर, यह तो राजनीति है और राजनीति है तो दौरा नहीं होगा तो रणनीति कैसे बनेगी। विपक्ष का काम है हर बात में उंगली करना, अगर नहीं करे तो फिर जनता ही घेरने लगती है। बहरहाल बिहार के 3 बड़े सियासी चेहरे इस वक्त दिल्ली में हैं, तीनों का इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि तीनों के प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य कितने सफल होते हैं। फिलहाल आज के बिहार नीति में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज़। नमस्कार।